हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ मॉम एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे ना मैं मक्खन से घी बनाने का प्रोसेस कर रही हूँ। मक्खन जो मैंने बनाया था, इसकी घर में बनाए मक्खन की शेल लाइफ तो जो है सेल्फ लाइफ जो होती ज़्यादा नहीं होती। तो क्या हुआ, ये मक्खन बहुत टाइम पहले बनाया था मैंने, 2-4 महीने हो गए हैं इसको बनाए हुए। तो अब मैं इसका घी बना रही हूँ। तो घी वही प्रोसेस साथ चल रहा है, साथ साथ और भी सारे काम चल रहे हैं, पर फिलहाल यहाँ पे मक्खन से घी बन रहा है चूल्हे में। साथ ही साथ और भी पीछे बैकग्राउंड में काम चल रहे हैं, जैसे यहाँ कपड़े धुल रहे हैं और धूप तेज हो गई है तो कपड़े साथ साथ धुल रहे हैं, सूख भी जाएंगे। और बीच बीच में मक्खन मतलब घी को चेक करने के लिए भी किचन में आ रही हूँ। और घी अब काफ़ी अच्छा हो चुका है, इसको ठंडा करने रख दूँगी। और साथ ही मैंने जो करेले की बेल है ना, अब मेरी इतनी बड़ी हो गई है तो इसको चढ़ाने के लिए ये एक सपोर्ट डाल दिया मैंने, और इसके ऊपर इसको चढ़ाने के लिए बोल दिया है, पर चढ़ नहीं रही है, अपने आप चढ़ेंगी। मैंने थोड़ा सा लपेट के इसको कोशिश की कि चढ़ जाए। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही हरी भरी, देखने में सुकून मिल रहा है इस करेले की बेल को। साथ ही टमाटर में भी फूल आने लगे हैं। टमाटर आएंगे कि नहीं पता नहीं, फल का पता नहीं, फूल तो आने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं अब दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं जो रोटियाँ बना रही हूँ ये मिक्स आटे के बना रही हूँ। इसमें ज्वार बाजरा और मड़वा यानी कि नाचनी जिसे रागी भी बोलते हैं, वो तीनों का आटा मिक्स करके मैं रोटियाँ बना रही हूँ। मतलब कुछ रोटियाँ तो मैं गेहूँ की बनाती हूँ, कुछ मैं इस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली रोटियाँ खाना घी के साथ। और आज घी बनाया है तो ये रोटियाँ बनना तो ज़रूरी था। मतलब कि घी बने और रोटियां नहीं बने ये वाली मोटे आटे की, तो फिर क्या बात है। तो मैं इसमें जो है ज्वार और बाजरा और मड़वा, जिसको मतलब मड़वा हम बोलते हैं, वैसे नाचनी और रागी जिसे बोलते हैं मिलेट, ये मिलेट्स है, इनके आटे की रोटी मैं बनाऊंगी। और आटा मैंने गूंथ लिया, थोड़ा सा इसको गीला कर पतला रखूँ, मतलब गीला फॉर्म में रखूँगी, ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं ये रोटी का रोटियाँ जो है हाथ से बनाने वाली हूँ, बेल के नहीं बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लंच की थाली रेडी है दोपहर की। ये है रोटी मिक्स मिलेट्स की, और साथ में हरी सब्जी बनाई है, ये लेफ्ट ओवर चना है जो बचा हुआ है, साथ में बूंदी का रायता। तो ये मेरा टेस्टी सा लंच रेडी है, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो मुझे इसी टाइप का सिंपल खाना ज़्यादा पसंद है। और ये शाम का समय है, इस वक्त थोड़ा घर के लिए शॉपिंग करनी थी तो हम लोग मार्केट आ गए, मतलब डी मार्ट आ गए हैं।
तो आप शॉपिंग करेंगे घर के लिए, और इसी के साथ इस व्लॉग को करेंगे एंड। मिलेंगे आपको एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और दिवाली की खुशी में देखिए डीप मार्ट भी सजाया हुआ है।